बिहारी सतसई महाकवि बिहारी के द्वारा लिखी हुई, इसका एक दोहा मेरे सामने आया और कक्षा 10 में भी हम इसको पढ़ाते हैं। बिहारी जब पढ़ाते हैं तो उसमें ये दोहा है और ग्रीष्म ऋतु का इसमें वर्णन उन्होंने किया है, बड़ा प्यारा वर्णन है जिसको मैंने यहाँ लिखा है। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाघ निदाग। ये कवि बिहारी के बारे में थोड़ी चर्चा पहले कर लें। उनकी सतसई बड़ी प्रसिद्ध है। सतसई शब्द बनता है सप्तशती से। सप्तशती का मतलब होता है सप्त सात शती सौ, यानी सात सौ, सात सौ दोहे जिसमें हो, उनके दोहों को सप्तशती की संज्ञा, सतसई की संज्ञा अगर हम तद्भव शब्द करें सप्तशती का तो दी गई है। उसके अलग अलग विभाग हैं, उसके अंदर उन्होंने अलग अलग दोहों का वर्णन किया है जिसमें रीतिकालीन वो कवि रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें प्रेम प्रसंग का वर्णन है, श्रृंगार उसके अंदर प्रधान है, लेकिन प्रकृति चित्रण भी है, नीति विषयक दोहे भी उसके अंदर हैं। और जब प्रकृति चित्रण में हम लोग जाते हैं तो हमारे सामने आता है यह दोहा जो कि ग्रीष्म ऋतु के बारे में कहा गया है और आज पूरी तरह सार्थक है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब हम किसी दोहे का व्याख्या करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो हर पढ़ने वाला उसकी व्याख्या अपने हिसाब से कर सकता है। मैंने इसकी क्या व्याख्या आज के संदर्भ में, जबकि चुनाव होने जा रहा है, इसकी क्या व्याख्या हो सकती है उसको देखिएगा कहां से मैं वो लेकर के आया हूं व्याख्या। पहले हम लोग इस दोहे को समझ लें। कहलाने एकत बसत, कहलाने का मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म का। एकत बसत, एक हो गए हैं, बिल्कुल एक हो गए हैं। कौन कौन? अहि, अहि कहते हैं सांप को, मयूर कहते हैं मोर को। हम यहां गौर करें कि जो मोर है वो सांप को खा जाता है, दोनों की दुश्मनी है, लेकिन दोनों एक हो गए हैं। और आगे मृग मतलब हिरण, बाघ मतलब बाघ, शेर की एक प्रजाति है। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो बाघ है वो मृग को खा जाता है और सांप को मोर खा जाता है, लेकिन ग्रीष्म काल में एकत बसत, दोनों साथ साथ रह रहे हैं। अगली पंक्ति देखिए, जगत तपोवन सो कियो, जगत संसार, कि ये संसार उन्होंने एक आश्रम बना दिया है, तपोवन जहां पर तप किया जाता है, जहां पर ऋषि मुनि बैठकर तप करते हैं, उन्होंने पूरे संसार को तपोवन की आश्रम की भांति बना दिया है। किसने ऐसा किया है? दीर्घ दाघ निदाघ, दीर्घ लंबी दाघ चलने वाली गर्मी ने, जो समाप्त नहीं हो रही है, इस गर्मी ने दुश्मनों को भी एक कर दिया है। यानी जब बहुत गर्मी पड़ती है तो शिथिलता के कारण सांप आराम से बैठ जाता है, मोर का मन नहीं कर रहा कि मैं सांप को खाऊं, उसी प्रकार हिरण गर्मी के कारण आराम से शिथिल होकर बैठ गया है, शेर उसको देख तो रहा है लेकिन खा नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जंगल में कोई हिंस्र पशु रहे नहीं है, सब एक हो गए हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं, जैसे एक आश्रम में तपोवन के अंदर ऋषि मुनि सब वैर भाव बुलाकर एक हो जाते हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखें, बड़ी मजेदार व्याख्या जो आज के संदर्भों में आप समझ भी रहे होंगे, मुझे लगता है कि मैं आपको समझाने में सफल भी हुआ, वो हम लोग इसकी देखते हैं। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि राजनीति के अंदर कोई भी चीज, कोई भी नियम एक जैसे हमेशा के लिए नहीं रहते, और राजनीति बहुत महाठगनी, महामाया कहा गया है, छलनी कहा गया है उसको, और मित्र कब शत्रु हो जाए, शत्रु कब मित्र हो जाए, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। अब हम देखें कि किस प्रकार ये अहि मयूर मृग और बाघ या आज के संदर्भ में कौन है। सबसे पहले हम गर्मी समझते हैं कि किसने ऐसा किया है, चुनावों की गर्मी ने किस किस को एक कर दिया है, मायावती को, अखिलेश को, जो दोनों वैर भाव, दोनों की राजनीति एक एक के खाने को दौड़ते थे। आपको याद होगा जो गेस्ट हाउस कांड हुआ उसके बाद मायावती ने कहा था कि ये मेरे शत्रु हैं, दुश्मन हैं, कभी इनके साथ एक नहीं होंगी, आज वो एक मंच पर बैठकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। देखिए पूरे देश को, देश को अगर हम लोग देख करके चलें, कश्मीर से चलें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों कांग्रेस के विरोध में थे, लेकिन आज ये तीनों पार्टियां अहि मयूर मृग बाघ बन गए। चुनावों की गर्मी ने इन विरोधी स्वभाव वाले जीवों को एक कर दिया है। यूपी का मैंने आपको वर्णन किया, दिल्ली में आपका जो उद्भव हुआ वो शीला जी के काल में हुआ था,
शीला जी के विरोध में हुआ था, केजरीवाल जी का उद्भव हुआ था, लेकिन आज वो सीट शेयरिंग कर रही हैं, यानी कि 4 सीटें आप लड़ेगी, 3 सीटें उसमें कांग्रेस लड़ेगी या वाइस वर्सा होगा। यानी जो एक दूसरे को खाने को दौड़ते थे, केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं शीला जी को जेल पहुंचा के रहूंगा, आज वो दोनों साथ लड़ रहे हैं। जगत तपोवन सो कियो, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दिल्ली में कोई वैर भाव है ही नहीं, कभी था ही नहीं। दोनों की मित्रता न जाने कितनी प्रगाढ़ मित्रता कब से चली आ रही थी, लेकिन चुनावों की गर्मी ने दीर्घ दाग निदाग दोनों को एक कर दिया है। साउथ में अगर हम लोग चल के देखें कर्नाटका की जो स्थिति थी, कि जहां देवेगौड़ा और सिद्धरमैया आपस में शत्रु भाव से रहा करते थे, लेकिन जब स्टेट पोलिंग हुआ तो वो दोनों एक हो गए और 30-32 सीट लाकर आज देवेगौड़ा वहां के चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। वही स्थिति अब है कि वो जो 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 सरकार, जो लोग कांग्रेस के विरोध में रहा करते थे, अब वहां पर वो सीट शेयरिंग कर रहे हैं कि 20 सीटें वहां पर कांग्रेस लेगी या 8 या 10 सीटें वहां पर देवेगौड़ा की पार्टी लेगी, जेडीएस लेगी। यानी अब ये समस्या आ रही है कि जो आवाम, जो जनता, जो समर्थक कांग्रेस का विरोध करते थे, वो अब उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। जगत तपोवन सो कियो, कितनी अच्छी स्थिति हो गई है, व्यंग्यात्मक स्थिति है कि एक दूसरे से वैर भाव रखने वाले एक सांपनाथ एक नागनाथ दोनों मिलकर के राजनीति के अंदर लड़ रहे हैं। बड़ी सुखद स्थितियां हैं, लेकिन देखिए किस प्रकार उन्होंने पूरे देश को आश्रम जैसा बना दिया है। कहीं कोई विरोध नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब मिलकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि लड़ने वाले भी साथ हैं, लड़ाने वाले भी साथ हैं। तो ये स्थितियां जो हैं, एक और चीज मेरे सामने, आरजेडी लालू जी अंदर है हम जानते हैं, उनके दोनों बच्चे बाहर हैं, लेकिन आज जिस कांग्रेस के विरोध में लोहियाबाद पैदा हुआ था, आज वो उन्हीं के साथ मिलकर के बिहार के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। तो मित्रों, स्थितियां साउथ में भी हैं, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIDMK वहां पर बीजेपी के साथ लड़ रही है, और आंध्रा में हम लोग चले जाएं, वहां पर दो जिन अलग अलग पार्टियों का गठबंधन हो रहा है, वो आपस में विरोध में रहे हैं। यानी जो कभी अही सर्फ हुआ करते थे, जो कभी मोर हुआ करते थे, वो आजकल एक दूसरे को खा नहीं रहे हैं, एक दूसरे के समर्थन पे आ गए हैं। एक मंच पर आकर दोनों एक दूसरे की अहो रूपा महोध्वनि वाली जो स्थिति है, कौवा कोयल से कहता है, वाह तुम्हारा क्या रूप, तुम्हारी क्या आवाज है। कोयल कहती है प्रशंसा करते हुए कौवे से, वाह तुमने क्या आवाज पाई है। यानी वो कह रहा है जिसकी आवाज नहीं है कि तेरी आवाज बहुत अच्छी है। तो स्थितियां बहुत रोचक हैं, आज कोई किसी का विरोध कहीं से नजर नहीं आ रहा, लेकिन सब मिलकर के एक व्यक्ति के विरोध में खड़े हो गए। ये जो गर्मी है, गर्मी किसकी है, ये मोदी की गर्मी है कि सबका एक एजेंडा है, मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। यानी कि मोर सांप को खाना भूल गया है, क्योंकि उसको सामने कोई बड़ा नजर आ रहा है, उस तक पहुंचना इन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है कि हम सब लोगों का अस्तित्व तभी रहेगा जब ये सत्ता में नहीं रहेगा। अही और मोर कब एक साथ हो गए, मृग और बाघ कब एक साथ हुए, हमें ये सोचना पड़ेगा। किसके विरोध में है, हर जगह शत्रु आपस में मिल रहे हैं, मोदी जी ने ये काम तो बहुत अच्छा किया कि राजनीति के स्वरूप को बदल दिया। आपस में अब कोई दुश्मन है ही नहीं, कहीं भी हमको कोई दुश्मन नजर नहीं आ रहा, पूरे देश में एक शांति सी नजर आ रही है। चुनाव इतने शांति से जा रहे हैं कि नजर ही नहीं आ रहे कि चुनाव हो रहे हैं। निश्चित रूप से मोदी तेरी महिमा अपरंपार, मोदी है तो मुमकिन है कि शत्रु भी जो है वो दुश्मन दुश्मनी भूल जाएं, मित्रता का व्यवहार करने लगें और पूरे देश को एक आश्रम एक तपोवन की तरह बना दें। निश्चित रूप से बिहारी ने बहुत सोच करके ये दोहा ग्रीष्म ऋतु के विषय में लिखा होगा, लेकिन आज ये किस तरीके से चरितार्थ होता है, क्या व्याख्या हम इसकी देखते हैं, ये हमारे सामने आती है। मित्रों, ये जो सप्तशती शब्द मैंने शुरू में कहा था, बिहारी की सत्सई जो हमारे सामने आई थी, ये हमें कई ग्रंथ हमें इसके मिलते हैं। बिहारी से बहुत पहले गाथा सप्तशती, नवरात्रे चल रहे हैं, दुर्गा सप्तशती, तो ये सप्तशती प्रयोग हमको शब्द का मिलता है जो सासों से रिलेटेड है, सासों से संबंधित है। उसी के अंदर ये 48वां दोहा है जब वो ग्रीष्म ऋतु का अपना वर्णन करते हैं। मित्रों, मुझे लगता है आपको ये मेरी व्याख्या पसंद आई होगी, आज के संदर्भों में आप इसे और समझेंगे और अपनी राय अपने विचार मुझे अवश्य लिख करके भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।